मेरा नाम शशिकांत शर्मा है, मेरे मित्र हरियाम देवासी हैं, हम लोग कर्नाटक से हैं और हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। हम हनुमान जी की जन्म स्थल बेलारी से 25 किलोमीटर दूर, हम्पी से 25 किलोमीटर दूर किष्किंधा पर्वत है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म स्थान है। उस जन्म स्थान से मैं पवित्र मिट्टी और पवित्र जल लेके हनुमान जी के गुरुदेव भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार पहुँच रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बना हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल हमें देने का जो सौभाग्य हमको दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत खुशी है और ये पवित्र जल लेके जाने का मेरे लिए एक मेरे लिए ऐतिहासिक पल है। और त्रेता युग में विमान उतरा था और कलयुग में इंडिगो विमान उतर रहा है। इंडिगो को और भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, खास करके माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक पल का आपने हिस्सा देने का मुझे मौका दिया। जय सीताराम। आप लोग फर्स्ट फ्लायर में से हैं, क्या भाव निकल के आता है क्योंकि पहली दफा आप लोग कमर्शियल प्लेन वहाँ पे लैंड करने वाला है? बहुत ही खुशी हो रही है कि पहली बार हम पहली विमान इंडिगो में अयोध्या जा रहे हैं। हम बेंगलोर से आए हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली से मिट्टी और तुंगभद्रा का जल लेकर आए हैं और हम पहले विमान में वहाँ जाएंगे, हमारे को बहुत खुशी हो रही है। आप कहाँ से? मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ और मेरा एक्साइटमेंट ऐसा है कि मैं कितनी जल्दी पहुँच जाऊँ अयोध्या एयरपोर्ट पे। मोदी जी द्वारा उद्घाटन हुआ वहाँ पे और अयोध्या पूरी बदल गई है और ये युग बदल रहा है क्योंकि मोदी जी आ गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आप कहाँ से? कहाँ? मैं भी अयोध्या से हूँ और एक्चुअली मुंबई में रहता हूँ, बट एवरी मंथ मेरा ट्रेवल रहता था। अभी तक मैं लखनऊ लैंड हुआ करता था। कितनी सुविधा अब होगी डायरेक्टली फ्लाइट? बहुत बहुत ज्यादा, तो ऑलरेडी मेरा 3 ट्रिप ऑलरेडी बुक है अयोध्या का, फरवरी मार्च, क्योंकि घर वही है अयोध्या में, वहीं से आता जाता हूँ, मुंबई रहता हूँ, तो अभी लखनऊ के बजाय मैं सीधा अयोध्या उतरूंगा, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती मेरे लिए खुशी। मैं चंडीगढ़ में मोरनी से हूँ, चंडीगढ़ से रहने वाला हूँ, वहाँ का पत्रकार हूँ और अभी आजकल मैं कानपुर के लिए दैनिक जागरण के लिए सेवा कर रहा हूँ। मैंने मुझे सौभाग्य ये मिला, बहुत खुशी है, लग रहा पुष्पक विमान में ही हम लोग ही जा रहे हैं नए पुष्पक विमान में, कि मैं मुझे अवसर मिला सन 84 सन 90 की शिलान्यास और फिर कार सेवा और फिर जो तो सब अवसर देखने के रिपोर्टिंग करने का मौका मिला था और अब हम वहाँ पर यात्री के रूप में जा रहे हैं, पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, तो हम देखना चाहेंगे कितना बदला है, क्या बदलाव आया। मोदी जी वहाँ पहुँच चुके हैं, आज वंदे भारत वहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये पहले विमान जाना बहुत भाग्य की बात है और मैं हनुमान जी कृपा और राम जी के कृपा का उन्हीं का जो कारण है तभी मैं पहुँच पा रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही सबके लिए और ये विश्व कल्याण हो, मेरी ये भाव है कि अयोध्या विकास करें। आई एम गोइंग ऑन द इनॉग्रल फ्लाइट बिकॉज इट सो हैपेंड दैट आई हैड प्लान टू मेक वाटर बॉटलिंग प्लांट फॉर द राम मंदिर विच इज वेरी क्लोज टू अयोध्या। So I'm very happy to be on this flight, first inaugural flight, and this factory of mine for bottled water called Shanti Water, sacred water Shanti, is already started and we are already putting our water in the Ram Mandir and Hanuman Gari. So let's hope all the best for them. Thank you. Soon after the inauguration of Ayodhya Airport by Prime Minister Narendra Modi, the first flight of the Indigo Airlines is going to take off from the national capital Delhi. And this is currently we are reporting from the T2 Terminal 2 of the Delhi Airport, where these are the first flyers who are going to travel for the very first time in a commercial airline. You can see in the visuals as well that on their kurtas, it is clearly mentioned that they are traveling from the very first flight. And this is the kind of excitement which is being shown by the first flyers who are en route to the Ayodhya Airport. एयरपोर्ट लेट्स ट्राई टू टेक अ क्विक व्यू। सबसे छोटी आप हैं, सबसे पहले आपसे लेता हूँ, ये जो कुर्ते पे आपने स्टिकर छपवाया है, क्या कारण है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? सबको बताना है कि हम अयोध्या के फर्स्ट फ्लाइट में जा रहे हैं। क्या फीलिंग आती है? मतलब इस फीलिंग को तो हम बयान ही नहीं कर सकते, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम श्री राम जी की धरती पे जा रहे हैं। हम अपने श्री राम जी को मंदिर में कह के आए कि वहाँ की जन्मभूमि की मिट्टी आपके लिए भी लेके आएंगे। आप लोग चूंकि फर्स्ट फ्लायर्स हैं, पहली दफा आप लोग कमर्शियल एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं और अभी जहन में क्या भाव चल रहा है, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री का पार्ट हो? जी जी सर, हम गुजरात से ही आ रहे हैं, जहाँ की प्रधानमंत्री की भूमि है, वहीं से ही आ रहे हैं, भरूच से, और 500 साल तक हमने संघर्ष किया। 76 टाइम्स वी फॉट एंड लॉट ऑफ ब्लड शेडिंग वॉज मेड बाई द ओपोनेंट, देन वी हैव गॉट द विक्टरी एंड ऑब्वियसली 350 feet long, 235 feet width and 161 feet, that's the height of that temple, and not even the height of that temple but the height of India, yes, Bharat nation, that's why we are going to witness that. And number two is that we are the witness of the first ever flight after Treta Yuga
that's going to land on Ayodhya. Okay, so these are the couple of first flyers who are going to go towards the airport site. Sir, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या फीलिंग आ रही है अभी? मैं नरेंद्र कुमार बैरागी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बैरागी सभा हरियाणा गुरुग्राम से आया हूँ और अपने इसी प्लान से जो एक तरीके से प्लान वहाँ उतरेगा, ऐसे कहते हुए राम का प्लान जा रहा है अयोध्या, पुष्प विमान जो जा रहा है, पुष्प विमान से हम जो जा रहे हैं श्री राम ने वहाँ पर उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है कर रहे हैं, लेट हो गया किसी कारण से, तो आज हमको ऐसा महसूस हो रहा जो शहीदों ने शहीदी दी थी, जो श्री राम को लगता था कि राम है ही नहीं, आज ऐसा महसूस होता कि कल युग गया और सतयुग आ गया है, राम राज आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ करके दिखाया है, ऐसा महसूस होता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही राम के रूप हों। सर आप मुझे बता रहे थे कि आप बड़ा ज़्यादा ट्रैवल करते हैं मुंबई से, आपको बड़ी तकलीफ आती थी, वो बताइए क्या होता था और कैसी सुविधा मिली? सर मैं अयोध्या की रामलीला का अध्यक्ष हूँ, तो मैं फिल्म स्टार की रामलीला करता था सर, हमारे सरंग से कैसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, तो हम 2 घंटे यानी हमें लगते थे लखनऊ पहुँचने में, फिर वहाँ से 3 घंटे हमें आगे जाने में, तो खासकर फिल्म स्टार बड़े परेशान होते थे, हम बड़े परेशान होते थे, और आज हमारे को ऐसे लग रहा है हम लोग राम राज्य की ओर जा रहे हैं, सपने के अंदर सोच नहीं सकते थे जो चीज़ हमें मिलने के जा रही है। टंडे साहब ने बड़े पास से देखा है कि हम 4-5 घंटे का सफर तय करके देखते थे, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, टंडे साहब बताएंगे। और हमारे को एक समय था पुष्पक विमान की बात होती थी, आज इंडिगो विमान की बात हो रही है। देखिए मैं तो मोदी जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, पूरा देश करेगा, पूरा भारतवंशी करेंगे विश्व के, कि कहां 5,000 साल पहले पुष्पक विमान पर हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या से जाते थे, अब हम सबके लिए व्यवस्था कर दी है मोदी जी ने, तो मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा। और इतना सुंदर कार्यक्रम अभी राम मंदिर में भव्य उद्घाटन होगा, हम सब भारतवंशियों का उसका इंतजार है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो दिस इज द एक्साइटमेंट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लायर्स हु आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द साइड ऑफ द एयरपोर्ट, एंड इट आल्सो रिमाइंड्स देम ऑफ द पुष्पक विमान विच फाइंड्स इट्स मेंशन इन द रामायण एज वेल।